Hi everyone. So today we'll be talking about Ashoka University for MA Economics entrance. Okay, and for that we have Akash Kundu from first year of MA Economics in Ashoka University. He's a student from last year's batch of MA Economics entrance. So he'll be guiding you with all the questions for all your queries regarding exam pattern, regarding placements. अशोका की फैकल्टी कैसी है, ओके, ऑल दोज थिंग्स एंड फाइनेंशियल एड के बारे में, ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. सो लेट मी फर्स्टली टेल यू दैट एक तो अशोका में एप्लीकेशन फॉर्म उसका निकल चुका है, ऑलराइट. एग्जाम एग्जाम इज ऑन 5th of May, ओके, एंड इंटरव्यू भी होगा. सो अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. आई गेस लास्ट ईयर इट वॉज एन ऑनलाइन इंटरव्यू. आकाश आपका भी ऑनलाइन था? या इट वाज ऑनलाइन, आई थिंक वो ऑनलाइन ही कांटेक्ट करते हैं हर बार. ओके, सो इट्स कंडक्टेड ऑनलाइन ओनली. तो इंटरव्यू विल बी ऑनलाइन एंड देन इफ यू गेट सेलेक्टेड एंड यू विल बी ऑफर्ड एडमिशन. ओके, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अशोका में एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं है. सो एनीबडी हु विश टू अप्लाई यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि एप्लीकेशन फीस वहाँ कितनी है. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ यू डोंट इवन वॉन्ट एडमिशन हेयर देन ऑल्सो यू शुड बी अप्लाइंग हेयर सो दैट आपके लिए आपको फ्री में प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, राइट. सो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई एट अशोका यूनिवर्सिटी. एग्जाम पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो वी हैव 4 सेक्शन हेयर. सेक्शन ए इज ऑन स्टैटिस्टिक्स, बी सेक्शन बी इज एनालिटिकल रीजनिंग. तो बोथ दी सेक्शन आर कंपल्सरी एंड देन यू हैव टू डू इधर सी सेक्शन और डी सेक्शन. सी सेक्शन इज ऑन इकोनॉमिक्स एंड डी ऑन मैथमेटिक्स. तो आप इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में से कोई एक सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, ए एंड बी आर कंपल्सरी. तो यू हैव वन सैम्पल पेपर है. अशोका डज नॉट शेयर द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर बट आकाश विल बी हेल्पिंग अस विद फ्यू ऑफ द टॉपिक्स एंड सम क्वेश्चंस दैट ही रिमेंबर्स फ्रॉम लास्ट ईयर. ओके, ही हैज शेयर द लिस्ट विद मी. सो वील सून डिस्कस अबाउट दैट. एंड फॉर योर प्रैक्टिस आप इस सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप एक बार अपने बारे में बता दो, एक बार थोड़ा सा आप ब्रीफली बता दो अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में. अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है वहां पर, फैकल्टी कैसी है, ओके, एंड जो कोर्स वर्क है वो रिग्रेस कितना है, व्हाट ऑल यूजफुल थिंग्स यू आर फाइंडिंग इन अशोकास कोर्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश. आई एम फर्स्ट ईयर एमए इकॉन स्टूडेंट एट अशोका. सो पहली बात तो मैंने अशोका क्यों चूज किया वो बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि जिस तरीके की क्वालिटी का रिसर्च होता है यहाँ पर, आई फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव. बिकॉज इन अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक कैलकाटा यूनिवर्सिटी, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो आई नो फ्यू ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज इन अराउंड वेस्ट बंगाल. सो हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर जो रिसर्च है वो होता है बट उस लेवल पर नहीं होता जितना यहाँ पर होता है और फैकल्टीज को ग्रांट मिलता है. तो मैंने मुझे पर्सनली लगा कि अगर मैं मुझे अगर रिसर्च फील्ड में जाना हो या फिर प्रोफेसर से अगर मैं सीख सकता हूँ, तो अगर जाना हो और प्रोफेसर से मुझे सीखना है तो अशोका वुड बी अ गुड प्लेस फॉर मी. बिकॉज इन अशोका व्हाट हैपेंस इज दैट यू गेट टू नो प्रोफेसर इंडिविजुअली, ऑल्सो प्रोफेसर नोज यू वेल, ऑल्सो प्रोफेसर नोज एवरी स्टूडेंट इन इन ए बैच, दे नोज बाय देयर नेम. सो बेसिकली क्या होता है कि इफ यू वॉन्ट टू बी एन आर ए और एन गोज इन टू यू वॉन्ट टू गो इन टू द रिसर्च फील्ड, देन प्रोफेसर विल गाइड यू थॉरली इन योर टोटल 2 ईयर जर्नी.
सो इसीलिए मैंने चूज किया था। और मैंने बहुत सारे मेरे जो सुपर सीनियर है अशोका के, उनसे बात किया था रिगार्डिंग रिसर्च फैसिलिटी कैसा है यहाँ पर और कैसे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। उन्होंने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया था, तो मुझे लगा इसलिए मैं अशोका को चूज किया था। और अशोका की एंट्रेंस की बात करें तो अशोका की एंट्रेंस पर्सनली मुझे बहुत ही इजी लगा था, क्योंकि उतना टफ नहीं था क्वेश्चन पैटर्न कंपेयर टू अगर ISI या फिर IGITR की बात करें। सो बेसिकली मुझे इजी लगा था और इंटरव्यू भी मेरे बहुत ही प्रीटी चिल था, कि उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन रिगोरस क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं गया था। दैट्स इट आई थिंक। इंटरव्यू कैसा था? किस टाइप के क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बैकग्राउंड पूछा गया था और अबाउट लाइक मेरी सिलेबस कैसा था बैचलर्स में वो पूछा गया था, और फिर मुझसे दो तीन इको ट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक बेसिक OLS assumptions क्या थे। फिर उन्होंने पूछा था ऑटो रिग्रेशन क्या होते और हाँ ऐसे ही दो तीन बेसिक इको ट्रिक्स के, डमी वेरिएबल की यूज कहाँ होते काइंड ऑफ थिंग्स। और फिर मैंने एक बैचलर्स में एक डिसर्टेशन पेपर लिखा था, तो रिगार्डिंग दैट उन्होंने मुझे पूछा था कि डिसर्टेशन पेपर किस चीज के ऊपर था और बहुत सारी चीजें और थोड़ा बहुत डिड एक्स्ट्रा दे आस्क करिकुलर। फॉर सीवी? सीवी मांगा था उन्होंने इंटरव्यू से पहले आपका? नहीं, उन्होंने पूछा था मुझे कि आर यू राइटिंग एनी डिसर्टेशन पेपर और समथिंग लाइक दैट। सो मैंने बोला था कि आई हैव टू राइट ए डिसर्टेशन पेपर इन माय लास्ट सेमेस्टर। सो उन्होंने फिर वो उसके बारे में पूछा था कि डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है वगैरह। और फिर उन्होंने एक चीज पूछा था मुझसे कि करंट इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसा हुआ है जो आप एनालाइज कर सकते हो या फिर बता सकते हो ऐसा कुछ। तो तब वहां पर 2000 रुपी का विड्रॉल हुआ था, RBI ने तब अनाउंस किया था उसी दौरान। तो मैंने उसका उसकी बात बोली थी और मैंने अपने बेसिक ISLM अंडरस्टैंडिंग से बोला था कि मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट होगा, उससे इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया था इंटरव्यूअर, तो उन्होंने बोला था कि अच्छा आंसर था ये। तो ये एक बात शेयर करना चाहूंगा। एंड एग्जाम की अगर बात करें तो वहां पर एक बार आप भी बता दो, मेरे पास आपकी दी हुई लिस्ट है तो वी कैन जस्ट शेयर दैट विद ऑल दी करंट ईयर्स एस्पिरेंट्स। ओके, आपने मुझे सबसे पहले बताया है माइक्रो के बारे में। हाँ माइक्रो में देयर फोकस वाज देयर द मेन क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू मोनोपोली, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा भाई बिल्कुल थोड़ा ओपन एंडेड हो गया, तो कुड यू शेयर कि किस चीज से रिलेटेड? परफेक्ट कंपटीशन में उन्होंने पूछा था पर्टिकुलर क्वेश्चन तो याद नहीं है उन्होंने, बट परफेक्ट कंपटीशन से उन्होंने वो रिलेटेड वो था ना मेजर उसका पूछा था, मुझे याद नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन पे वो क्वेश्चन था एक, बट एग्जैक्टली ओके, मुझे नो याद प्रॉब्लम। नहीं। मैक्रो में ISLM बताया है आपने, सोलो हाँ मॉडल, आइस देर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मल्टीप्लायर। हाँ तो इन केन्जियन क्वेश्चंस इनकम का मल्टीप्लायर लेवल कैसा था? वर दे न्यूमेरिकल इन नेचर और थ्योरेटिकल इन नेचर? न्यूमेरिकल इन नेचर, मोस्टली न्यूमेरिकल था क्वेश्चंस और तो प्रीटी बेसिक सॉल्वेबल था। लेवल या जैसे पुराने DSE के क्वेश्चन पेपर्स में आपको सॉल्व नहीं करने में टाइम उतना लगा वैसे? उतना भी टफ नहीं था, थोड़ा इजी था। एक पर्टिकुलरली इकोन क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, बट मुझे ओके, पर्सनली स्टैट थोड़ा डिफिकल्ट लगा उस साल। स्टैट थोड़ा डिफिकल्ट था तो प्रैक्टिस एम्पल प्रैक्टिस हो तो इजी लग हो सकता है। जो आपने टॉपिक्स मेंशन किए हैं शायद में, हमने अपनी क्लासेस में हमने सारे किए हुए हैं, राइट? राइट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टोल्ड अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टोल्ड अबाउट यूनिफॉर्म और नॉर्मल। हाँ, ये सब ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन है जो हर एग्जाम में मेंशन होते हैं हाँ कि ये इन पर फोकस किया जाएगा।
एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बहुत स्टैटिस्टिक्स में पिकी मैंने फॉर्म। एक चीज नोटिस किया था कि कैलकुलेशन हैवी होते हैं क्वेश्चन, सो आई थिंक प्रैक्टिस एम्पल प्रैक्टिस हो तो सही रहेगा। ओके एंड बेस रूल बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस रूल अगेन से क्वेश्चन था। मोस्टली सिमिलर टॉपिक्स जो हर एग्जाम में मेनली फोकस किए जाते हैं जिन पे स्टैट्स पर। हाँ एंड ओके आपने इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया है नॉट मैथ्स, बट आपने मैथ्स के क्वेश्चंस के टॉपिक्स बताए हैं मुझे। हाँ, मैंने मेरे दोस्त से पूछा था, कुछ दोस्तों से, तो उन्होंने बोला कि ऑप्टिमाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे पर्टिकुलरली। हाँ, बहुत सारे आए थे। सो किस टाइप के? पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन से दो तीन क्वेश्चंस थे उन्होंने बोला, और फिर सिंगल एंड मल्टीपल मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन से भी दो तीन क्वेश्चंस थे। तो मेनली ऑप्टिमाइज, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ, यू हैव कंस्ट्रेंट्स एंड यू नीड ऑप्टिमाइजेशंस टू, या आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड टू अशोका मैथ कैंप पे भी ऑप्टिमाइजेशन ही बहुत रिगरसली पढ़ाया जाते हैं। सो वो एक्सपेक्ट करते हैं लैग्रांज लगाना आता हो हाँ लैग्रांज इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड नो कि कैसे सॉल्व करना है उसका यूज करके। रीजनिंग में आपने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम पाई चार्ट्स थोड़ा। एंड कुछ और हाँ ग्राफ, हाँ पाई चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ओके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन यू टॉक्ड अबाउट, वेन डायग्राम। हाँ वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन था। ओके एंड किस, मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड था या नॉर्मल काउंटिंग बेस्ड था? काउंटिंग नॉर्मल काउंटिंग का था। था। ओके यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड, मतलब यूज होगा उसका। हाँ, यूनियन के डायरेक्शन इंटरसेक्शन के उसका। में ऐसे क्वेश्चन कि एक देयर इज अ अब मैन वो इतना 40 किलोमीटर गोइंग, आगे चला गया, हाँ। बेसिक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर आपने कुछ बेसिक कैट के क्वेश्चंस इस तरीके के सॉल्व अगर आप कर लो देन यू विल बी एबल टू डू दैट इन अशोका एज वेल। लेवल उतना नहीं होगा राइट, राइट राइट इजिली अगर मैं बस आइडिया होना हाँ चाहिए। आपने जो रिसोर्सेज बोले थे indiabigs.com, मैंने वहां से प्रैक्टिस किया था तो मेरा तो हो गया सो दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है, था। तो आप सिर्फ एक टॉपिक को सिर्फ सर्च कर लो कि डेटा इंटरप्रिटेशन यूजिंग पाई चार्ट, आपको इजिली पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। आप सिर्फ उन चीजों पर, ईच टॉपिक पर अगर आप हाफ एन आवर स्पेंड कर लो देन यू आर गुड विद दैट राइट। सिर्फ आइडिया चाहिए कि उसे सॉल्व एक बार कुछ दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ ओके सो दैट्स द लास्ट ईयर टॉपिक्स। आकाश फैकल्टी कैसी है अशोका की? फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। आई वुड से कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज बहुत ही अच्छी फैकल्टी हमें मिलता है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज हैव पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक वारविक, यूबीसी एंड अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। सो हाँ, तो हमें फैकल्टी बहुत ही अच्छी मिलती है और फैकल्टी बहुत हेल्पफुल भी है। मैंने पर्टिकुलरली बहुत ही हेल्पफुल ऐसी फैकल्टी कभी नहीं देखा। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया था मैथ कैंप पे, सो प्रोफेसर अनुराधा शाह वाज टीचिंग अस मैथ कैंप। सो वो हर सबके पास जाते थे और चेक करते थे हर एक को कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सबसे वो एक बड़ी बात होती है कि जाके सबको चेक करना सबके आंसर, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ऐसे प्रोफेसर शायद ही कहा कोई और दूसरी जगह मिलती हो। सो आई थिंक ये प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स का बहुत बैच अच्छे। है? आप पहले, अभी तो करंट बैच साइज है 32 का, पहले और भी थोड़ी लोग थे, बट डीएससी के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग डीएससी चले। तो वैसे उससे पहले 40s में होंगे, तो हाँ, 40s, 38 या फिर 40s था। बेसिकली लो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, तो ड्यू टू विच हाँ देयर इज अ पर्सनल टच, हाँ पर्सनल वो एक अटेंशन अच्छी मिलता है, चीज और है। ऑफिस आवर्स पे भी आप जाके डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी, अगर आप कोई डाउट हो फिर कुछ भी हो सिलेबस से रिलेटेड, फिर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, वो दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। एंड व्हाट अबाउट कोर्स वर्क, कैसा है, हैवी है?
और यू आर एबल टू इजीली मैनेज, व्हाट हाउ आर दैट? कोर्स वर्क रिगोरस तो है क्योंकि पहले सेमिस्टर में फर्स्ट इन द फर्स्ट सेमिस्टर वी वर टॉट मैथ्स फॉर इकोन इन दैट कोर्स रियल एनालिसिस का लिनियर एलजेब्रा और भी था बहुत सारी चीजें हमें पढ़ाया जाते हैं तो उसमें मुझे थोड़ा टफ लगा था पहले बट बाद में थोड़ा बहुत ईज हो गया था चीजें बट पहले टफ होता है ऐसी नहीं है रिगरस ट्रूली इन नेचर आई वुड से और फिर हमें माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ाया जाता है उसमें पहले सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में मोस्टली चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी वगैरह फिर चॉइस अदर थिंग्स जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम, हाँ जनरल इक्विलिब्रियम वगैरह वो सब पढ़ाया जाते हैं तो और जो भी चीजें हमने एंट्रेंस के टाइम पर आई टॉट यू वो फर्स्ट सेमेस्टर में काम आई? हाँ आए हैं बट मोस्टली जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं राइट लाइक जो MWG वगैरह बुक में होते हैं मास्कुलर इन्हिबिशन वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर में होते हैं हेल्पफुल था और इसलिए योर बेस वॉज रेडी फॉर हाँ अंडरस्टैंडिंग बेस रेडी एब्स्ट्रैक्ट। था मेरे लिए हाँ मैंने देखा है मेरे बहुत सारे दोस्तों को स्ट्रगल करते हैं उस चीज में क्योंकि उन्हें रियल एनालिसिस उन्होंने कभी पहले पढ़ा नहीं था तो उनको उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था वो चीज पढ़ना थोड़ा सो बेस थोड़ा क्लियर हो तो अच्छा रहता है अब से ये चीज मैंने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले सेशन में, SNU वाले सेशन में भी बात करी है। तो करंटली जिस हिसाब से एंट्रेंसेस का लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स मास्टर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो एडमिशन तो इजीली आपको मिल जाएगा ड्यू टू लो लेवल ऑफ एंट्रेंस, बट आप फिर जाके स्ट्रगल करोगे। ओके, एंड मे बी एट टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स की बैक भी आ जाती है। अशोका में कितने स्टूडेंट्स या ऑलमोस्ट सब पास हो जाते हैं या बैक आती है स्टूडेंट्स की? हाँ बैक बैक किसी को नहीं आती बट डी या फिर सी नेगेटिव बहुत सारे लोगों को मिलते हैं वो रिपीट कर सकते हैं नेक्स्ट सेल में अगर किसी यानी को कोई लगे फेल नहीं कि होता, नहीं फेल नहीं होता अगर ग्रेड इम्प्रूवमेंट के लिए बैठना हो तो बैठ सकते मार दे सकता है, ठीक है। बट प्लेसेस लाइक DSE देयर इज अ हाई फेलियर रेश्यो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक आती है, तो दे डोंट लीव यू। अगर आपका बेस वहां क्लियर नहीं है तो वो फिर नहीं छोड़ेंगे आपको, वो आपको इजिली पास नहीं होने देंगे क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर का लेवल भी हाई होता है। ओके, व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर्स? आपके कोर्स में सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड है? हाँ सेकेंड सेमेस्टर में हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन से इलेक्टिव ऑफर किया जाता है उसमें पाइथन पे हमें सिखाया जाता है डेटा साइंस वगैरह डेटा साइंस एनालिटिक्स मशीन लर्निंग वो सिखाया जाता है और फर्स्ट सेम में हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें मैटलैब सिखाया जाता है मैटलैब में फिर हमें वो जैसे कि सोलो मॉडल हो गया उसको पूरा मैटलैब पे फिट कराना उससे रिजल्ट ड्राइव करना वो सब चीजें हमें सिखाया जाता है कन्वर्जेंस और वगैरह देख लेना उसके अंदर। हाँ और फिर हमें सेकेंड सेम में हमें इकोट्रिक्स 1 ऑफर किया जाता है इकोमेट्रिक्स 1 उसमें स्टेटा वगैरह सिखाया और अगर किसी को सीखना है अगर मशीन लर्निंग और फिर अदर चीजें उसके लिए भी वो थर्ड सेम या मतलब सेकेंड ईयर में एक इलेक्टिव ऑफर किया जाता है मशीन लर्निंग वो ले सकता है तो आपके और सेपरेट सब्जेक्ट भी है? ओके, हाँ और एक चीज है कि आप ऑडिट भी कर सकते हैं कोर्स लाइक जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की कोर्सेस है उसको ऑडिट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो तो आप ऑडिट कर सकते हैं उस कोर्स को आपको चूज करने की जरूरत नहीं है वो सब्जेक्ट, आप पूरा कोर्स अटेंड कर सकते हो। हाँ ये ट्रांसक्रिप्ट में शो करेंगे बाद में जब आप ऑडिट करने के बाद कि यू हैव डन दिस कोर्स तो अनदर थिंग दैट स्टूडेंट्स जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं दैट आर प्लेसमेंट्स। तो दोनों चीजों की बात करते हैं, व्हाट अबाउट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज? रिसर्च में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है आई वुड से अगर
अशोका की बात करें, रिसर्च के लिए अशोका फेमस मुझे लगता है। यू कैन डू आरएसीप्स अंडर प्रोफेसर्स इफ यू वांट, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वो लोग निकलते रहते हैं। तो मेरे मेरे ही दो तीन दोस्त आरएसीप कर रहे अंडर प्रोफेसर कनिका महाजन एंड अदर प्रोफेसर ऑल्सो, अपराजिता दासगुप्ता, पियाली बनर्जी, दोस्त प्रोफेसर अंडर देम दे आर वर्किंग। और फिर रिसर्च, अगर आप पॉलिसी रिलेटेड चीजों में जाना चाहते हो प्लेसमेंट के लिए, सो आई थिंक बहुत सारे थिंक टैंक्स, पॉलिसी थिंकर वगैरह भी आते हैं प्लेसमेंट के लिए, उनमें बैठ सकते हो और आप जा सकते हो उसमें। और फिर कॉरपोरेट के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, मोस्टली कंसल्टिंग फील्ड में ज्यादा कॉर्पोरेट आते हैं यहाँ पर, डेलॉयट हो गया या फिर अदर कंसल्टिंग फर्म्स, इंदुस इनसाइट्स वगैरह। बैंक्स भी आते हैं थोड़े बहुत, बैंक्स बहुत सारे आते हैं, थोड़े बहुत नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेपी मॉर्गन वगैरह भी आते हैं। और फिर अपने यहाँ पर आते हैं बैंक्स हो गया, हाँ, और फिर डेटा एनालिसिस रिलेटेड भी, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में भी बहुत सारे फर्म्स आते रहते हैं, मैं जा सकते हो अगर आप। प्लेसमेंट क्या रही है पैकेज? इस साल की प्लेसमेंट्स थोड़ा मतलब नॉट नहीं, इस कॉम्पेट बार तो कॉम्पेट हर जगह प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ रिसेशन, बट हाउ अबाउट लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का बैच कैसा रहा था? लास्ट ईयर की बैच, बैच में 18 स्टूडेंट्स थे, सो उनमें से मुझे जितना पता है 8 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लग गई है, और 18 में से भी बहुत सारे पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, शायद 18? चार, हाँ सिर्फ 18 कैसे रह गए, मतलब जो बैठे हैं प्लेसमेंट्स के लिए? नहीं, टोटल 18 स्टूडेंट्स है, उनमें से बैठे थे शायद 16 या फिर 15, 15-16 बैठे थे, उनमें से 8 प्लेस एट अभी आप कह रहे थे स्टूडेंट्स। आपके बैच में लाइक 40s में स्टूडेंट्स थे एंड देन बाद में 30 रह गए, तो लास्ट ईयर में सिर्फ 18 स्टूडेंट्स थे? हाँ, लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था, डीएससी चले गए थे, बहुत सारे जगह चले गए थे। फिर अशोका दोबारा कट ऑफ नहीं निकालता या और स्टूडेंट्स को नहीं बुलाता? ना, आई थिंक नहीं बोला था, क्योंकि बहुत आई सारे गेस लोग, बिकॉज लास्ट ईयर डीएससी का रिजल्ट बहुत लेट आया था, तो मे बी हाँ ड्यू टू दैट कि अब अशोका का कोर्स वर्क शुरू हो गया होगा, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ गई होगी। हाँ अशोक का दूसरा कट ऑफ लिस्ट नहीं निकालता, एक ही एक ही बैच एक ही बार में सबको मिले थे। तो आउट ऑफ 16, 8 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई थी। 16 वर द वन जो बैठे प्लेसमेंट। हाँ, उनमें से मुझे जितना पता है 4 स्टूडेंट्स को जेनपैक, और 2 को डेलॉयट, और 2 को शायद डेटा एनालिसिस में कुछ, फिनान डेटा एनालिसिस एंड फिनेंशियल एनालिस्ट के रोल में कुछ। फाइनेंस की फील्ड में ये लोग गए, मतलब हाँ, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस। कंसल्टिंग एंड फिनेंस के, वीसी फार्म्स, फिनेंस एंड कंसल्टिंग के लिए अशोका में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप जाना चाहते बहुत सारे फार्म्स आते रहते हैं। और अदर अभी देन करेंटली दैट, लग रहा है कि रिसर्च बेटर, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अशोका इज बेटर एज कम्पेयर टू हाँ, प्लेसमेंट। अगर आप में पोटेंशियल हो तो आप पेपर भी लिख सकते हो प्रोफेसर के साथ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट लिखे हैं ऐसे पेपर प्रोफेसर के साथ, ओके, अगर आप में पोटेंशियल है। टिप्स फॉर एंट्रेंस क्या चीज काम आएगी? अगर अभी प्रिपेयर करना कोई शुरू करे तो अशोका का इंटरव्यू इजीली निकल जाए, एंट्रेंस इजीली निकल जाए, तो व्हाट वुड बी सम टिप्स फ्रॉम योर साइड? अगर इजीली अशोका हो जाए तो मुझे लगता है पहले से डिपेंड करता है, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना हो या फिर आपको पीएचडी के लिए जाना हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस वगैरह अगर आप पहले से करके आओ, मैथ्स पे अच्छे आपकी पकड़ हो, तो वो अच्छा रहेगा। अदर देन अगर कॉर्पोरेट पे जाना चाहते हो, तो अगर आप थोड़ा बहुत पाइथन, डेटा
एनालिटिक्स के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, वो लैंग्वेजेस वगैरह, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस वगैरह ये सीख के मास्टर्स आओ के तो लिए हो गया, आई एम आस्किंग अबाउट एंट्रेंस एग्जाम, अगर अशोका का इजीली क्लियर करना है तो उसके हाँ। लिए क्या करें? अच्छा, तो उसके लिए मुझे लगता है मैंने जो किया था कि मैंने तो वैसे अशोका के लिए एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरे मुझे लगता है हमारा कि जो फुल कोर्स था उसमें सारी चीजें हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो हो गया था मेरा। तो आई थिंक जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ना चाहिए, जैसे माइक्रो के लिए हेलवेरियन हो गया, या फिर मैक्रो के लिए डॉन बुश फिशर, मैथ्स के लिए सिट सेटर हैमंड, वही स्टैंडर्ड स्टैट, बुक्स हो गई। हाँ, और स्टैट के लिए जेएल डेफोर वगैरह, ये सब अगर कर लो अच्छे से तो मुझे लगता है हो जाता है उतना। बेसिकली आप अपना अंडरग्रेड टफ क्लियर रखोगे तो अशोका का हाँ लेवल भी हाँ वैसा ही है, आप बस और सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कर लो हर टाइप के, देन यू आर गुड टू गो। आई थिंक इतना काफी होता है अशोका के लिए। ओके ऑल राइट, थैंक्स आकाश। आई होप सबको ये सेशन काफी पसंद आएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय।